गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिम झिम, और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, सबसे अच्छा पेड़। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी बच्चों, तीन भाई थे और किस तरीके से वो घर की तलाश में निकलते हैं और कहाँ कहाँ पे अपने घर बनाते हैं, तो ये कहानी में हमने पढ़ा था। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जरा सोचो तो, ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे आगे कैसे चुनोगे, तो पेज नंबर आपका 126 है। कैसे चुनोगे, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी, ठीक है ना, किन मौक़ों पर, मेहमान को खाना खिलाने के लिए, अगर हमको पत्ते भी खाना खिलाने, तो कौन से पत्ते भी हम मेहमान को खाना खिलाएंगे, तो बच्चों हैं केले के पत्ते। फिर है बारिश में भीगते समय छाते की तरह जो काम करता है, तो केले का पत्ता है। बाकी पत्ते तो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, हमें बारिश से नहीं बचा सकता। तो कहानी में भी आपने पढ़ा था किस तरीके से उन भाइयों की बारिश से सुरक्षा होती है। फिर है सीटी बजाने के लिए, तो आम का और जामुन का पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो सीटी, उनसे सीटी बजती है, आप भी कभी करके देख सकते हैं उसको। फिर है रंग बनाने के लिए, अगर हमको किसी चीज़ में रंग बनाना है, तो केसर के फूल, केसर के फूल से क्या हो जाता है, रंग हो जाता है। फिर है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, नारियल या केला या नारियल का पत्ता, उसको हम घुमा के क्या कर सकते हैं, उससे हवा कर सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, इसमें अगर तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, ठीक है ना, और पत्ती सॉरी तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जैसे नारियल का पेड़ बना है, लेकिन हमने देखो, मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक पेड़ है, आपको भी पता है बच्चों, ठीक है। इसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और छाल सभी बहुत लाभकारी होते हैं, सब कुछ यूज़ में आता है उसके, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ और चीज़ें इसमें, कोई और पेड़ के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर पेज नंबर 127, पहचानो और मिलाओ, ठीक है, लंबी पतली पत्ती जो आगे नुकीली है। अब देखो मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखे, वन नंबर पे पहले का क्या है, आम की पत्ती नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है। देखिए टू नंबर पे कौन सी है, पीपल की पत्ती जिसके किनारे लहरदार हों, तो किसके किनारे होते हैं लहरदार, केले के पत्ते के। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो साफ पता चल रहा है कमल की पत्ती है, जो कमल का फूल होता है उसकी पत्ती ऐसी, तो गोल गोल होती है, तो गोल पत्ती कमल के फूल। तो बच्चों आज आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने बताया इसको बुक में सॉल्व करना है, और जो यहाँ पे पत्तियाँ बताई इसको आपने बुक पे भी सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे भी इसको बनाना है, ठीक है ना। ये पत्तियाँ बनाएंगे आप, और आगे से उनके नाम भी लिखेंगे, और विद कलर, आपको कलर भी, पत्ती का जो कलर होता है वो भी आपको करना है।